तो दोस्तों आईपीएल 2024 में तो मुंबई इंडियंस का फॉर्म बेस्ट नहीं रहा, लेकिन दोस्तों आईपीएल 2025 में ऐसे कौन से खिलाड़ी होंगे जो टारगेट करेगी मुंबई इंडियंस, क्योंकि दोस्तों ये जो टीम है वो चेंज होने वाली है 2025 में। बड़े बड़े खिलाड़ी रिलीज होंगे टीम में से, टॉप ऐसे खिलाड़ी बताऊंगा जो दोस्तों टारगेट करेगी मुंबई इंडियंस आईपीएल 2025 के ऑक्शन में। चलिए शुरू करते हैं नंबर वन पे जो खिलाड़ी आते हैं वो है नीतीश राणा। नीतीश राणा दोस्तों एक ऐसे खिलाड़ी है जिनकी जरूरत है मुंबई इंडियंस को, इसी टीम के साथ इन्होंने शुरुआत की थी, बेस्ट टीम हो सकती है इनके लिए। मेरे हिसाब से इस ग्राउंड पे जो है इनका फॉर्म बेस्ट रहता है, तो दोस्तों इनको टारगेट जरूर किया जाएगा। रिटेन ये नहीं होंगे क्योंकि दोस्तों केकेआर के पास बड़े बड़े खिलाड़ी है जो वो रिटेन करेंगे, तो इनको रिलीज होना होगा और मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस इन्हें जरूर ऑक्शन में टारगेट करेगी। दोस्तों स्पिनर बॉलर है और साथ ही साथ बैटिंग बेस्ट करते हैं, ईशान किशन को अगर रिलीज करेगी जरूरत दोस्तों इनको होने वाली है। दोस्तों नंबर चार पे जो खिलाड़ी आते हैं ना वो भी केकेआर के ही है और ये दोस्तों वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर एक ऐसे बैट्समैन है दोस्तों जो दोस्तों मेरे हिसाब से इस ग्राउंड पे फॉर्म बेस्ट दिखा चुके हैं, और दोस्तों जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ टीम्स जो है ऐसे खिलाड़ियों को टारगेट करती है जो उनके ग्राउंड पे फॉर्म दिखाते हैं, और दोस्तों इनके जो रिकॉर्ड्स है इस मुंबई के ग्राउंड पे तो वो बेस्ट है। दोस्तों ओपनर बेस्ट है और साथ ही साथ मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं। तो इसके बाद जो खिलाड़ी आते हैं वो है दोस्तों शिखर धवन। देखे दोस्तों शिखर धवन एक ऐसे खिलाड़ी है जो दोस्तों बेस्ट ओपनर बैट्समैन है, इंडियन बैट्समैन है, और इससे ज्यादा क्या चाहिए एक टीम को। यहाँ जो है इनका फॉर्म बेस्ट रहेगा, अगर रोहित शर्मा जो है रिलीज हो जाता है शिखर धवन से बेस्ट प्लेसमेंट उनकी नहीं हो सकती है, और ये बेस्ट ओपनर बैट्समैन हो सकते हैं टीम के लिए। कोई भी ग्राउंड हो दोस्तों वहाँ जो है इनका बैट चलता है, रन बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों ईशान किशन रिलीज होंगे, रोहित शर्मा रिलीज होंगे, तो दोस्तों ये टीम जो है ऐसा कोई बैट्समैन टारगेट करेगी जो दोस्तों इन दो खिलाड़ियों की रिप्लेसमेंट हो, इनसे बेस्ट बैट्समैन वो नहीं हो सकता है। दोस्तों नंबर दो खिलाड़ी की बात करते हैं जो है विनंदु हसरंगा ऐसे खिलाड़ी है दोस्तों बेस्ट स्पिनर बॉलर, इसे बेस्ट स्पिनर बॉलर जो है इस टीम को नहीं मिल सकता, और मेरे हिसाब से दोस्तों इनको टारगेट जरूर करेगी ये टीम, क्योंकि दोस्तों इस साल जो है बेस्ट स्पिनर बॉलर मुंबई इंडियंस को नहीं मिल सका, स्पिनर बॉलर जो है जरूर ढूंढेंगे जो दोस्तों किसी भी सिचुएशन में विकेट्स निकाल के दे, तो मेरे हिसाब से इनसे बेस्ट बॉलर वो नहीं हो सकता है। दोस्तों इनको जो है जरूर टारगेट किया जाएगा, और दोस्तों बैटिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ दोस्तों बॉलिंग तो ये करते ही हम सबको पता ही है, लेकिन दोस्तों जो इनकी स्पिन बॉलिंग है वो क्वालिटी है, और दोस्तों इसके वजह से जो है टीम को ज्यादा से ज्यादा मैचेस जिताने में मदद ये कर सकते हैं, तो इनको टारगेट जरूर करेगी ये टीम। दोस्तों नंबर एक पे जो खिलाड़ी आते हैं वो है इंग्लैंड के बेस्ट ऑलराउंडर जो है बेन स्टोक। देखिए दोस्तों इनकी जरूरत इस टीम को बहुत ज्यादा है, और मेरे हिसाब से इनको अगर ये टारगेट करेंगे तो फायदे में रहेंगे, बेस्ट बॉलर है, बेस्ट बैट्समैन है, और दोस्तों जो यहाँ का ग्राउंड है ना यहाँ जो है इनका फॉर्म बेस्ट रहेगा, और दोस्तों इनको टारगेट जरूर किया जाएगा, लिस्ट में जरूर रहेंगे, क्योंकि दोस्तों हर एक टीम जो है इनको लेना चाहेगी, लेकिन कौन सी टीम लेगी ये सवाल रहेगा, तो दोस्तों इस टीम के टारगेट लिस्ट में ये जरूर रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।